हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी शेफ अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कपकेक की रेसिपी लेकर के आई हूं, जिसका नाम है टूटी फ्रूटी कपकेक, या इसे आप मफिन भी बोल सकते हैं। ये बिना अंडे से बनने वाला है और ये काफ़ी मज़ेदार है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया कि कैसे बेकरी स्टाइल आप टूटी फ्रूटी मफिन्स अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको मेरी ये टूटी फ्रूटी कपकेक मफिन की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल पर जो लोग नए आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एगलेस टूटी फ्रूटी कपकेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है आधा कप, फिर मैंने यहाँ पे चीनी का बूरा लिया है एक चौथाई कप। अगर आपके पास चीनी का बूरा ना हो तो आप घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 50 ग्राम बटर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध लिया है, ये एक चौथाई कप दूध है, ये भी रूम टेम्परेचर पर है। ध्यान रखें आपका बटर और दूध दोनों रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फिर यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये आधी छोटी चम्मच है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस लिया, ये एक चौथाई चम्मच है। फिर मैंने यहाँ पर केक को कलर देने के लिए यहाँ फूड कलर लिया है, ये एक ड्रॉप फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने टूटी फ्रूटी लिया है, यहाँ पर रेड कलर की टूटी फ्रूटी लिया है, फिर ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी लिया है, फिर ऑरेंज कलर की टूटी फ्रूटी लिया है। आपके पास जो भी टूटी फ्रूटी अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब कपकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बोल लिया है, इस खाली बोल में मैं यहाँ पर 50 ग्राम बटर डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा बटर रूम टेम्परेचर पर है, तो ये बटर मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं चीनी का बूरा डाल दूँगी, तो ये चीनी का बूरा भी मैंने डाल दिया है, और इसे इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से इसको अच्छे से बीट करूँगी। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चीनी, ताकि उड़े नहीं। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है ताकि लाइट और फ्लफी हो जाए, एकदम इसे क्रीमी टेक्सचर में लाना है हमें। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे गोल गोल घुमा करके एक ही रोटेशन में हम इसको बीट करते रहेंगे, इसे काफ़ी अच्छे से फेंटना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और जो किनारों में लग गया है आप उसे पहले स्क्रैप कर लें और उसके बाद फिर दोबारा बीट करना स्टार्ट करें। तो ये मैं किनारों में जो लगा है इसे मैं स्क्रैप करके इसे दोबारा बीट कर रही हूँ। तो ये देखिए इसको इसी तरीके से स्क्रैप कर करके इसको बीट करते रहना है एकदम लाइट और फ्लफी लाने तक। तो अब इसमें मैं यहाँ पर वनीला एसेंस डाल दे रही हूँ, और उसके बाद ये फूड कलर डाल दे रही हूँ, ये देखिए एक ड्रॉप फ्रूट कलर है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना एकदम लाइट और फ्लफी एकदम क्रीमी टेक्सचर लाने तक। तो इसे ऐसे ही एक ही रोटेशन में ही हमें इसे बीट करना है, काफ़ी अच्छे से इसको फेंटना है, इसे बहुत अच्छे से फेंटें। आप चाहें तो इसकी जगह पर विस्क या चमचे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने बीट किया है, और जो किनारों में लग गया है इसे फिर से स्क्रैप करके इसको ऐसे ही बीट करते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको स्क्रैप कर लिया है, और इसको फिर मैं दोबारा बीट करूँगी। इसे इतने अच्छे से बीट करें कि आपका वनीला एसेंस, आपका फूड कलर और चीनी और बटर अच्छे से बीट हो जाए। तो जब ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा तब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इसी स्टेज पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से हमारा फूल जाएगा मफिन। तो इसको अच्छे से ऐसे पहले मिक्स कर लेंगे, और दोबारा इसको अगेन हम बीट करते रहेंगे। तो इसे हम अच्छे से बीट करेंगे, काफ़ी इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, फूड कलर, बटर और हमारा चीनी का बूरा अच्छे से एकदम घुल मिल जाए। तो इसे एकदम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इसे मिक्स करने में टोटल 5 मिनट लगते हैं। तो 5 मिनट बाद देखिए ये हमारा अच्छे से काफ़ी मिक्स हो गया, काफ़ी क्रीमी हो गया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ एक एक चम्मच करके दूध डाल रही हूँ, और एक चम्मच दूध डालने के बाद इसे सिर्फ मिक्स करें, ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फट भी जाएगा। तो इसे एक चम्मच दूध डाल करके इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और अगर आपका फट जाता है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा।
तो ये देखिए मैंने सारे दूध डाल दिए हैं और इसे सिर्फ मैंने मिक्स किया था, मुझे तेल डालने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर में हो गया है, ये काफ़ी बढ़िया हमारा क्रीमी टेक्सचर हो गया। तो अब इसमें हम मैदा डाल देंगे, उसके बाद इसमें हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ और थोड़ी बचा ले रही हूँ गार्निश के लिए। तो यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी डाल करके इसी स्पैटुला से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। तो ये देखिए इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसका बैटर हमेशा गाढ़ा ही रहता है। तो इसको देखिए ऐसे मिक्स करते रहेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से मिक्स हो रहा है बटर में। तो इसको इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे और ये पहले से थोड़ा सा थिक होने लगा है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये काफ़ी ऐसे ही हमारा मिक्सचर रहता है टूटी फ्रूटी मफिन का। तो यहाँ मैंने मफिन ट्रे लिया है और इसे पेपर लाइनर से मैंने इसे लाइन कर लिया है। आप चाहे तो पेपर लाइनर आपके पास ना हो तो इसमें तेल लगा करके मैदा डस्ट करके आप इसे बना सकते हैं। तो इसे मैंने पेपर लाइनर से लाइन कर लिया है। तो अब क्या करूँगी कि जो बैटर बनाया हुआ था इस बैटर को इस पेपर लाइनर में फिल कर दूँगी। तो इसको एक एक चम्मच हम भर देंगे हर एक खाने में। तो ये देखिए मैं एक एक चम्मच भर दे रही हूँ इसी तरीके से, सब में इसी तरीके से भरते रहें। मफिन का या हमारे कपकेक का असल का बैटर ऐसे ही हमारा थिक होता है, किसी भी बेकरी में ऐसे ही बनता है। तो अब क्या करेंगे कि हम अपने साफ हाथों से उंगली से इसको इवेनली स्प्रेड कर देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जब ये बेक होगा तो काफ़ी फूल करके ऊपर आएगा। तो ये देखिए मैं अपने उंगलियों की सहायता से इसको चारों तरफ इवेनली स्प्रेड कर दे रही हूँ। इसे बस हल्का ही स्प्रेड करें, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी गार्निश कर देंगे। यहाँ मैं ऑरेंज वाली टूटी फ्रूटी गार्निश कर रही हूँ, उसके बाद लाल वाली टूटी फ्रूटी से गार्निश कर दे रही हूँ ऊपर के टॉप पर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ग्रीन वाले टूटी फ्रूटी से मैं इसे गार्निश कर दे रही हूँ। तो इसे मैंने गार्निश अच्छे से कर लिया है और ये अब हमारा रेडी है। तो इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा बेक हो गया है और ये काफ़ी फूल करके ऊपर आ गया है। और इसे मैं चेक करके दिखाती हूँ कि पका है कि नहीं पका है। तो इसमें स्क्यूअर इंसर्ट करके मैं इसको देखिए डीपली इंसर्ट कर रही हूँ एकदम नीचे तक, और ये देखिए हमारा एकदम साफ निकला है, एकदम क्लीन निकला है। तो ये देखिए हमारे हाथ में भी चिपक नहीं रहा है। और ये देखिए मैं दूसरे वाले में भी ऐसे इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, इसमें भी चिपक नहीं रहा है, ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो यही हमारा साइन है कि एक तो पहले ये हमारा ब्राउन हो जाता है और ऊपर से ये काफ़ी अच्छे से कलर भी आ जाता है। तो ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, ये काफ़ी फुला हुआ है और काफ़ी मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर बच्चों को आप बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए इसे ज़रूर बनाएं, और ये काफ़ी इजी बनने वाला है। और ये देखिए हमारा कितना फूल करके बढ़िया कलर आया है हमारा मफिन का। तो अगर आपको मेरी मफिन की रेसिपी अच्छी लगी टूटी फूटी मफिन की, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।